एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम लोग एआरपी बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड द मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस ऑफ ए डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग जानते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग उस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन ए डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क और इथरनेट, ठीक है। जनरली हम लोग इथरनेट या फिर हम लोग इंटरनेट में भी आजकल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल देखते हैं। तो अगर दो कंप्यूटर हम लोग को कनेक्ट करना है और उसमें कम्युनिकेशन कुछ करना है, ठीक है, तो जितनी भी आजकल की डिवाइसेस होती है, डिवाइसेस मीन्स स्विच हो गया, रूटर हो गया, ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस जो होती है इसमें जनरली कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। तो जब तक आईपी एड्रेस हम लोग को पता नहीं चलेगा तब तक वो कनेक्ट नहीं होता, और अगर डिवाइस कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट हुआ है उसका मैक एड्रेस भी उस आईपी एड्रेस से पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग मैक एड्रेस पता करते हैं, जो कि हमारा डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। यहाँ पे जो एआरपी हम लोग देखते हैं वो चार टाइप के एआरपी होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्रॉक्सी एआरपी, सेकंड होता है ग्रेचुअस एआरपी, थर्ड होता है रिवर्स एआरपी, फोर्थ होता है इनवर्स एआरपी। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी एआरपी इज ए मेथड थ्रू विच लेयर थ्री डिवाइसेस में रिस्पॉन्ड टू एआरपी रिक्वेस्ट फॉर अ टारगेट दैट इट इज इन ए डिफरेंट नेटवर्क फ्रॉम द सेंडर, ठीक है। जनरली लेयर थ्री का जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, अगर उस डिवाइसेस से कोई भी सेंडर है, कोई भी डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, जो भी सेंडर है वो डेटा सेंड कर रहा है, तो लेयर थ्री के जितनी डिवाइसेस है वो रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड करना मीन्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी जैसे रूटर है हमारा, ठीक है, वो एआरपी को रिस्पॉन्ड करेगा, जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है, उसके सारे डिवाइसेस के इंडिविजुअल जो भी डिवाइसेस हैं सबको आईपी एड्रेस के साथ में मैक एड्रेस को मैप करेगा। मैप करना मीन्स एक एक आईपी एड्रेस को पकड़ेगा, उसका जो भी डिवाइस है उसको फाइंड करेगा और उसके साथ में उसको जोड़ के सेव कर देगा। ये जो लेयर थ्री की डिवाइसेस होती है वो करता है, ठीक है। तो जनरली प्रॉक्सी एआरपी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी रूटर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको करते हैं। देखो यहाँ पे द प्रॉक्सी एआरपी कॉन्फिगर रूटर रिस्पॉन्स टू द एआरपी एंड मैप द मैक एड्रेस ऑफ द रूटर विद द टारगेट आईपी एड्रेस एंड फूल द सेंटर दैट इज रीच्ड एट इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी एआरपी ऐसा एक कॉन्फिगर करते हैं हम लोग रूटर को जो जनरली एआरपी को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और मैक एड्रेस किसका देता है, रूटर का मैक एड्रेस देता है, ठीक है। और जो सेंडर है, ठीक है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है कि वो जो डेटा सेंड किया था वो अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा नहीं होता है, ठीक है। तो हम मतलब हम लोग बीच में ही जो हमारा रूटर लगा हुआ है उसके मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग उस सेंडर को फूल करते हैं, ठीक है, मतलब गुमराह करते हैं और उसको ये एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि उसका जो भी पैकेट था वो पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन तक, ठीक है। एट द बैक एंड द प्रॉक्सी रूटर सेंड्स इट पैकेट टू द अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन बिकॉज द पैकेट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन होगा वहां तक वो प्रॉक्सी रूटर जो होता है वो सेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन उसमें से जो भी पैकेट में इंफॉर्मेशन होगा वो जनरली ये प्रॉक्सी रूटर जो होता है वो रीड कर लेता है, ठीक है। अगर उसे कोई काम का होगा तो वो रीड करके रख लेगा अपने पास, ठीक है, और जो भी वो एक्चुअल डेटा उसको सेंड कर देगा डेस्टिनेशन तक। तो इस प्रकार से प्रॉक्सी एआरपी काम करता है। तो जनरली प्रॉक्सी एआरपी जो होता है वो
इसी टाइप की एक्टिविटीज को करने के लिए होता है, मतलब एक मीडिएटर होता है सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में, जो भी इस टाइप का काम करते हैं, जैसे कि कोई किसी का डेटा चुराना है या डेटा रीड कर लेना है, तो यहाँ पे प्रॉक्सी एआरपी का यूज करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेचुअस एआरपी में। ग्रेचुअस एआरपी इज एआरपी रिक्वेस्ट ऑफ द होस्ट दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। इट इज ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ द रूटर। इफ एन एआरपी रिक्वेस्ट इज सेंड बाय स्विच और रूटर टू गेट इट आईपी एड्रेस एंड नो एआरपी रिस्पॉन्सेज आर रिसीव, सो ऑल अदर नोड्स कैन नॉट यूज द आईपी एड्रेस अलोकेटेड टू दैट स्विच और रूटर। ठीक है, येट इफ ए रूटर और स्विच सेंड्स एन एआरपी रिक्वेस्ट फॉर इट्स आईपी एड्रेस एंड रिसीव्स एन एआरपी रिस्पॉन्स, अनदर नोड यूजेस द आईपी एड्रेस अलोकेटेड टू द स्विच और रूटर। अब जनरली यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ग्रेचुअस एआरपी होता है, ठीक है, वो एक एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करता है होस्ट को। ठीक है, मतलब होस्ट को एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वहां से आइडेंटिफाई करेगा कोई डुप्लीकेट आईपी एड्रेस को। ठीक है, जनरली ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होता है किसी भी आईपी एड्रेस, मतलब जो भी रूटर है उसके आईपी एड्रेस का ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो होगा सेंड होगा स्विच और रूटर में। ठीक है, और वो स्विच और रूटर जो है आईपी एड्रेस के साथ उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, अगर एआरपी से उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मींस जितने भी उस नोड्स कनेक्टेड है उस स्विच से या फिर रूटर से, ठीक है, वो सीधी सी बात है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब उस आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर हम लोग कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो 25 सिस्टम की हमारे पास कनेक्शन है और वहाँ पे हम लोग ग्रेचुअस एआरपी के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड किए हैं कि कोई डुप्लीकेट आईपी एड्रेस तो नहीं डला है उसमें, सबके आईपी एड्रेस अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर एक सिस्टम जो है रिक्वेस्ट करेगा, एक आईपी एड्रेस से पिंग किया जाता है, वो वहाँ से एआरपी रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मीन्स वो नोड कनेक्ट नहीं होगा और उसको हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेचुअस एआरपी काम करता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है और देखो बेसिकली जो एआरपी होता है वो आईपी एड्रेस के थ्रू पिंग करता है इंडिविजुअल सिस्टम पे। ठीक है, जितने भी सिस्टम में होंगे सब में आईपी एड्रेस डालूंगे तभी वो नेटवर्क में कनेक्ट है। ठीक है, अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो नेटवर्क में भी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनरली चेक करने के लिए होता है कि जो होस्ट है, ठीक है, होस्ट मीन्स जो भी जितने भी हम लोग के कंप्यूटर कनेक्ट है, तो वो कंप्यूटर्स कोई डुप्लीकेट एआरपी, मतलब डुप्लीकेट आईपी तो नहीं यूज़ कर रहा है, फेक आईपी तो यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से वहाँ पे हम लोग चेकिंग करने के लिए यहाँ पे एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ठीक है, देयर आर सम प्राइमरी यूज केसेस ऑफ ग्रेचुअस एआरपी दैट आर गिवन बिलो। फर्स्ट, यहाँ पे द ग्रेचुअस एआरपी इज यूज टू अपडेट द एआरपी टेबल ऑफ द अदर डिवाइसेस। ठीक है, जनरली ग्रेचुअस एआरपी यूज किया जाता है, एक एआरपी टेबल बनता है। ठीक है, एआरपी टेबल जो बनेगा वो हमेशा स्विच पे बनता है, स्विच या फिर रूटर में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो रूटर में जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो नेटवर्क एडमिन्स होते हैं, ठीक है, उन लोग यूज करते हैं एआरपी, वहाँ एआरपी रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। इससे हम बैठे बैठे पता चल जाता है कि हम लोग को कितने सिस्टम कनेक्ट है और उसके मैक एड्रेस क्या क्या है। ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेशन होगा किसी भी आईपी एड्रेस में, कभी कभी होता है कि हम लोग डुप्लीकेट डाल देते हैं, जैसे 168.192. इस टाइप से कुछ है तो वहाँ पे भी हम लोग वही डाल दिए, सेम डाल दिए। ठीक है, तो सेम आईपी एड्रेस के दो सिस्टम नहीं हो सकते। ठीक है, तो डुप्लीकेशन हटाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही दिया हुआ, इट ऑल्सो चेक्स वेदर द होस्ट इज यूजिंग द ओरिजिनल आईपी एड्रेस और ए डुप्लीकेट वन। ठीक है, ओरिजिनल आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है या फिर डुप्लीकेट यूज़ कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेचुअस एआरपी का यूज किया जाता है। थर्ड आता है रिवर्स एआरपी, जिसको हम लोग आरएआरपी बोलते हैं।
इट इज ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज बाय द क्लाइंट सिस्टम इन लोकल एरिया नेटवर्क टू रिक्वेस्ट इट्स IPv4 एड्रेस फ्रॉम ए ARP गेटवे रूटर टेबल. ए टेबल इज क्रिएटेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन द गेटवे रूटर दैट इज यूज टू फाइंड आउट द मैक एड्रेस टू द करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस. ठीक है, रिवर्स ARP क्या करता है? कुछ नहीं करता है, सिंपल सा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा IPv4 एड्रेस को. और रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा? वो गेटवे रूटर टेबल को सेंड करेगा. मींस गेटवे रूटर टेबल बना होगा, वहां पे सारे IP एड्रेस होंगे. ठीक है, जितने भी नेटवर्क में कनेक्ट है, 100 सिस्टम कनेक्ट है, तो 100 IPv4 एड्रेस वहां पे अवेलेबल होंगे. तो सभी IPv4 एड्रेस में क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा. रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिस्पॉन्स में वहां से क्या मिलेगा? उस IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस हम लोग को मिलेगा. ठीक है, व्हेन ए न्यू सिस्टम इज सेटअप और एनी मशीन दैट हैज नो मेमोरी टू स्टोर द IP एड्रेस देन द यूजर हैज टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द डिवाइस. ठीक है, कोई नया सिस्टम कनेक्ट हुआ या नई मशीन कनेक्ट हुई है, ठीक है, जिसमें कोई मेमोरी नहीं है कि वो IP एड्रेस को स्टोर कर सके, ठीक है, तो यूजर को उस IP एड्रेस को फाइंड करना होता है उस डिवाइस का. ठीक है, द डिवाइस सेंड्स ए RARP ब्रॉडकास्ट पैकेज इंक्लूडिंग इट्स ओन मैक एड्रेस इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द बोथ सेंडर एंड रिसीवर हार्डवेयर. ठीक है, तो जो डिवाइस के पास अगर मेमोरी नहीं हो, वो क्या करेगा? RARP ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा. RARP ब्रॉडकास्ट पैकेट मतलब वो सिस्टम को खुद का IP एड्रेस नहीं पता है. ठीक है, वो अपना मैक एड्रेस बताएगा कि मेरा मैक एड्रेस ये है. ठीक है, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा अपने कंप्यूटर से. उस वो कनेक्ट है अपने सिस्टम में, लेकिन उसको अपना IP एड्रेस नहीं पता है. ठीक है, एक नेटवर्क से कनेक्ट है, उस नेटवर्क में उसका IP एड्रेस नहीं पता है, लेकिन मैक एड्रेस पता है उसको. मैक एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा? एक एड्रेस फील्ड में मैक एड्रेस लगा के सेंड कर देगा. जितने भी वहाँ पे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग स्विच और रूटर दोनों को, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक RARP रिक्वेस्ट सेंड करता है. ठीक है, सभी के पास जाएगा वो. अगर किसी को पता होगा तो वो क्या करेगा? उसको मैपिंग टेबल से, जो भी मैपिंग टेबल बनता है, जो रूटर टेबल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग IP एड्रेस देखते हैं, लेकिन मैपिंग टेबल में क्या होता है कि IP एड्रेस को मैप किया जाता है मैक एड्रेस से. ठीक है, तो वहां पे वो ट्राई करेगा उसको लोकेट करने का. ठीक है, यहाँ पे देखो, द RARP सर्वर इज देन ट्राइंग टू लोकेट ए मैपिंग टेबल एंट्री इन द IP टू मैक एड्रेस. इफ एनी एंट्री मैचेस इन द If any entry matches the item in the table, then the RARP server sends the response packet along with the IP address to the requesting computer. ठीक है, तो जो भी IP address उस MAC address के साथ मैच करेगा, तो वो IP address के साथ उसको response दे देता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं reverse ARP. Generally ARP जो होता है वो कोई host means जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या स्विच जिससे कनेक्टेड है, मतलब मींस अगर हम लोग एक सर्वर माने, जनरली सर्वर सेंड करता है. ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग को नहीं पता है, अगर जो इंडिविजुअल कंप्यूटर हम लोग का कनेक्ट है उसको IP एड्रेस नहीं पता, तो एक रिवर्स IP एड्रेस, रिवर्स ARP रिक्वेस्ट वो सेंड करता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा रिवर्स ARP. लास्ट आता है इनवर्स ARP. इनवर्स ARP क्या करेगा? इनवर्स ARP इज इनवर्स ऑफ द ARP एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द नोड्स फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस. दीज आर मेनली यूज्ड फॉर फ्रेम रिलेज ATM नेटवर्क्स वेयर लेयर टू वर्चुअल सर्किट एड्रेसिंग आर ऑफन एक्वायर्ड फ्रॉम द लेयर टू सिग्नलिंग. व्हेन यूजिंग दीज वर्चुअल सर्किट्स द रेलेवेंट लेयर 3 एड्रेसेस आर अवेलेबल. ठीक है, जनरली इनवर्स ARP जो होता है वो यूज करता है IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए. ठीक है, जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उसके डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस के साथ में जुड़ के उसके IP एड्रेस को फाइंड करता है. अब
तो डेटा लिंक लेयर एड्रेस क्या होगा, जो उसका मैक एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस के साथ में उसका आईपी एड्रेस को सर्च करेगा, वो फाइंड करेगा। और जनरली ये जो होता है फ्रेम रिलेज, एटीएम नेटवर्क्स, ठीक है, इस टाइप के नेटवर्क्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे दो वर्चुअल सर्किट एड्रेसिंग यूज की जाती है। ठीक है, वर्चुअल सर्किट एड्रेसिंग मीन्स क्या होगा, जो आईपी एड्रेस होगा और जो वो जनरली एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाता है। वर्चुअल सर्किट मतलब जो सिग्नल्स वगैरह वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि वायरलेस सिग्नल यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी वायर्ड सिग्नल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वायर्ड के थ्रू सिग्नल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक सर्किट बनाया जाता है और उसी में ही वो डेटा ट्रैवल करवा पाता है। ठीक है, तो उस टाइप के सर्किट्स के लिए ही इनवर्स एआरपी वहाँ पे यूज़ होता है। और ये भी इनवर्स एआरपी मींस ये आईपी एड्रेस फाइंड करता है किसी भी नोड का, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर एड्रेस के साथ काम करता है, जो कि मैक एड्रेस ही होता है, कुछ एक नया नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग देखे एआरपी, फोर टाइप्स के एआरपी होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉक्सी एआरपी, सेकंड होता है ग्रेचुअस एआरपी, थर्ड होता है रिवर्स एआरपी और फोर्थ होता है इनवर्स एआरपी। फोर टाइप्स के यहाँ पे हम लोग एआरपी देखे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल।